यूपी विधानसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ अपने चाचा की नाराजगी तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी से नेताओं की बढ़ती दूरियां। वहीं विधानसभा चुनाव से मिली करारी हार के बाद सपा अब MLC का चुनाव अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती और ना ही कोई गलती दोहराना चाहती है। इसलिए सपा ने पार्टी से मुंह मोड़ने वाले 4 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी यूपी में होने वाले MLC चुनाव से पहले अपने ही नेताओं पर नकेल कस रही है। साथ ही पार्टी नेताओं की किसी भी तरह की कोताही को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इसी कड़ी में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गाजीपुर के पूर्व विधान परिषद सदस्य कैलाश सिंह समेत 4 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने इन नेताओं के निष्कासन से संबंधित आधिकारिक लेटर जारी किया। इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप के तहत एक्शन लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र विधान परिषद जनपद गाजीपुर के चुनाव में समाजवादी पार्टी का विरोध करने पर उपेंद्र यादव, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, ब्लॉक देवकली निवासी, ग्राम नैसारा गाजीपुर विजय यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मर्दह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गाजीपुर रमेश यादव, राष्ट्रीय सचिव बाबा साहब वाहिनी तथा श्री कैलाश सिंह पूर्व MLC निवासी ओडिहार विधानसभा सैदपुर जनपद गाजीपुर को तत्काल प्रभाव से समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया जाता है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 29 मार्च को पार्टी के सहयोगी अपना दल, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के साथ एक बैठक की और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव, जिन्होंने जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा था, बैठक में मौजूद नहीं थे। ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो नाखुश हैं, क्योंकि उन्हें पिछले सप्ताह सपा विधायकों की बैठक में भी नहीं बुलाया गया था। वहीं चाचा शिवपाल यादव की अनुपस्थिति को तवज्जो नहीं देते हुए सुहेलदेव व भारतीय समाज पार्टी नेता ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा है कि उनके गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। देखिए, 2 दिन का जो कार्यक्रम रहा है विधानसभा में, ये पहला तो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। आज 2 बजे विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव था और चुनाव के बाद सभी लोगों ने उनको अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है और उसके बाद कार्यक्रम सदन का अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद अब 9 अप्रैल को विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव होना है। 9 अप्रैल को होने वाले MLC चुनाव को सपा हर हाल में जीतना चाहती है, तभी तो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले नेताओं को पार्टी नकेल कस रही है। ऋचा सिंह, स्पेशल डेस्क, R9 न्यूज़।